कक्षा 7 और कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 1 का नाम है क्रिया। कक्षा 8 के व्याकरण में 8वां पाठ क्रिया है और कक्षा 7 के व्याकरण में 13वां पाठ क्रिया है। तो 8 में पाठ संख्या 12 में क्रिया है और 7 में पाठ संख्या 13 में क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा के अनुसार क्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है, होना और करना। होना क्रिया से किसी वस्तु के होने अर्थात अस्तित्व का बोध होता है, इसलिए इस वर्ग की क्रियाओं को अस्तित्ववाची भी कहा जा सकता है, जैसे वह सुंदर है। करना, करना क्रिया से किसी कार्य के करने का बोध होता है, इसलिए इस वर्ग की क्रियाओं को कार्यवाची कहकर भी संबोधित किया जाता है, जैसे सोहन लिखता है। धातु, किसी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे धीरे धीरे चलना चाहिए, चलना चल धातु से बना है, वह धीरे धीरे चलता है। जरा तेज चलो, वह तेज चला। इन वाक्यों में क्रिया का चल अंश समान रूप से सभी में आया है और चल धातु है, जिसमें ना ता आदि सब जोड़ा गया है। इन वाक्यों में समान रूप से लिखना, बोलना, हंसना, देखना का धातु रूप है। लिख, बोल, हंस, देख, ये सब उसका धातु रूप है। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले क्रिया के भेद को 2 आधारों पर बांटा गया है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म का, जो क्रिया को जहाँ पर जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न रहे या क्रिया को कर्म की अपेक्षा न हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ हो या जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक अन्य कर्मक क्रियाएं, उठना, गिरना, चमकना सकर्मक। जैसे क्रिया में किसको, किसे क्या लगाकर प्रश्न पूछे पर यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है। जैसे इन क्रियाओं को क्या उड़ाया, वह पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग सकर्मक क्रिया है। यानी क्या, किसको, किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। सकर्मक क्रिया की भी 2 भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म लगा हुआ हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं और जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म लगा हुआ हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आज यहाँ तक रहने देते हैं, अगले दिन इससे आगे पढ़ाएंगे।